हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सीनियर रिसर्च फेलो और स्किल्ड हेल्पर के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे किसी भी चैनल किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना कर सके। तो चलिए देखते हैं ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो कि ICR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है जो कि कटक में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा है और एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है कि टू अवॉइड COVID-19 ऑल आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मेंशन किया है कि COVID-19 से बचने के लिए या अवॉइड करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने रूल फॉलो किए हैं करने के लिए दिए हैं वो करिए। तो इन्होंने देखिए लिखा है, ओइंग टू द प्रिवेलिंग COVID-19 क्राइसिस एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर बायोडाटा थ्रू ईमेल टू aodm2@gmail.com लेटेस्ट बाय 2 सितंबर 2020। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको जो अपना डॉक्यूमेंट से मार्कशीट या अगर नेट गेट चाहे वो ICR हो चाहे CSIR UGC हो, तो अगर आपने वो क्वालिफाई किया या आपके पास PhD की डिग्री है तो वो सब जो है आप सेंड कर सकते हैं इस मेल ID पे बाय 2 सितंबर। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो 2 सितंबर रखी गई है और आपको ये जो सारी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में ही भेजने हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें फर्दर मेल किया जाएगा और इंटरव्यू की जो डेट है वो बताई जाएगी आइदर बाई मेल और बाई फोन। ठीक है, आप देखिए हम लोग इसकी जो पोजिशन देख लेते हैं। तो इसमें CRP इन बायोफोर्टिकेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो एक पोजिशन है वो SRF की है और एक स्किल्ड हेल्पर की है। तो SRF की जो पोजिशन है वो 1 रखी गई है और जो उसका फेलोशिप है या एमोलुमेंट्स है वो है 31,000 पर मंथ प्लस HRA पर एज पर रूल। अब इन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपकी MSc होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में, और अगर आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री है BTech और MTech तो 5 ईयर्स इन जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी या MSc बेसिक साइंस बॉटनी लाइफ साइंस प्लांट फिजियोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी, और आपके नेट या गेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपके पास PhD है तो PhD इन बॉटनी प्लांट फिजियोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी, अगर आपको इनमें से भी कोई भी सब्जेक्ट ना PhD की है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अब देखिए इन्होंने एज भी डिसाइड कर रखी है, तो एज जो है वो 35 ईयर्स फॉर मैन एंड 40 ईयर्स फॉर वुमेन। ठीक है, और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 31 मार्च 2021 तक रहेगा और जो डेट और टाइम भी देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 9 सितंबर को होगा 12 नून। तो मुझे लगता है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या आपको स्काइप से हो सकता है या जूम से हो सकता है। और जो पोस्टिंग आपकी होगी वो NRI में होगी, मतलब नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। ठीक है, तो ये SRF की पोजिशन होगी। दूसरी पोजिशन स्किल्ड हेल्पर की है क्योंकि 1 है और उसका जो एमोलूमेंट्स है वो 12,500 है और जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो है मैट्रिक विद 2 वोकेशनल एग्रीकल्चर और मैट्रिक विद +2 साइंस डिजायरेबल है। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और जो इसकी मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है। और जो इसका इंटरव्यू होगा वो 10 सितंबर को होगा 10:30 AM पर। इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी चलिए देख लेते हैं। द अबव पोजीशन प्योरली टेम्परेरी एंड को इज को टर्मिनस विद द स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो प्योरली टेम्परेरी है और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होगा तो आपको वहां से निकल जाना पड़ेगा। सर्विसेज ऑफ अपॉइंटेड कैंडिडेट विल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट। तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपका जो आपको वहां से जाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद इन्होंने बोला नो DNDA फॉर अपेयरिंग द इंटरव्यू आर इनविजिबल, मतलब अगर ऑनलाइन अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो आपको DNDA कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहीं करेंटली आप कोई कहीं वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि SRF पोजीशन और स्किल्ड हेल्पर की जो पोजीशन है वो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में निकली है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, एटलीस्ट आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यही मेरा वीडियो था छोटा सा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।